हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली के विषय में। तो आपने कल के एपिसोड में देखा था कि हमने बहुत सारे सूत्र ऐसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही जानकारियों से भरपूर सारी बातें हमने आप लोगों को बतलाई थी। और कल मैंने बतलाया था कि आज से आप लोगों को दशांतर दशा के विषय में बतलाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की महादशा। अगर मकर लग्न की आपकी कुंडली है और आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही हो, तो ये सूर्य की महादशा में आने वाले बाकी के सारे अंतरदशा में ग्रह जो हैं वो किस तरह के शुभ या अशुभ फल जातक को देते हैं, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड प्लीज क्लिक बेल आइकन एंड विजिट माय ब्लॉग एंड माय वेबसाइट। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट और ब्लॉग पे आपको तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, आप प्लीज विजिट करें। तो चलिए आज के हम अपनी चर्चा का आरंभ करें। मित्रों, ये मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली में जो सूर्य होता है वो अष्टमेश होता है। ऐसे में अष्टमेश सूर्य जो है जब अपनी अंतरदशा में महादशा में आता है और महादशा के अंतरदशा में जब आता है तो परेशानी और कष्ट लेकर के आता है। चंद्रमा खर्च बढ़ाने वाला समय लेकर के आता है। मंगल इस कुंडली में, क्योंकि मंगल इस कुंडली में चतुर्थेश और इनकमेश होता है, ऐसी स्थिति में ये जो मंगल होता है वो काफी सुखद और लाभदायक और धनदायक समय लेकर के आता है। राहु सामान्य फल देने वाला ग्रह माना गया है इस लग्न कुंडली में। गुरु बाधाएं और कष्ट लेकर के आता है क्योंकि व्ययेश और मार्केश तृतीयेश हो जाता है। ठीक है, तो शनि की अगर बात करें तो मांगलिक और शुभ कार्य करवाने वाला और प्रसिद्धि दिलाने वाला, यश प्रतिष्ठा दिलाने वाला समय लेकर के आता है। ठीक है, अगर केतु की बात करें तो बिल्कुल अनुकूल समय लेकर के आता है। इस लग्न कुंडली में, यानी कि मकर लग्न की आपकी कुंडली हो और आपकी आपके ऊपर अगर सूर्य की महादशा चल रही हो, तो सूर्य की महादशा में शुक्र की जो अंतरदशा होती है, इस शुक्र की अंतरदशा का जो पूर्वार्ध काल होता है काफी ही अनुकूल फल देने वाला, बहुत बढ़िया लाभ करवाने वाला और भाग्योदय करवाने वाला समय होता है। और उत्तरार्ध दशा इसकी जो होती है वो प्रमोशन देने वाली होती है। ठीक है, अगर आप सर्विस में हैं तो प्रमोशन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी उस दिन से। ठीक है, तो मित्रों ये रही मकर लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा में बाकी सभी ग्रहों की अंतरदशा का शुभाशुभ फल। अशुभ ग्रहों का आप उपाय करके किसी श्रेष्ठ जानकार ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखा करके और उसका उपाय करके आप जरूर उसमें भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो कोई भी ग्रह खराब या अशुभ फल देने वाले नहीं होते हैं, कोई भी ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं होते पर्सनली। ठीक है, तो जो भी ग्रह हैं वो देवता हैं और उसके अनुसार अगर हम देवताओं की आराधना स्तुति पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ये ग्रह शुभ फल जातक को देते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो हम कल की चर्चा में चंद्रमा की महादशा में बाकी सभी ग्रहों के अंतरदशा का वर्णन करेंगे। चलिए, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड क्लिक बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता है फ्रेंड्स। और बदले में बहुत ही टॉप लेवल की सुंदर वैदिक ज्योतिष की जानकारी मिलती है, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।